ये कह रहे थे मूछ मुड़वाऊंगा, देखो मूछ ही मुड़वा दी। टोपी पहन के राम मंदिर नहीं जाएंगे, टोपी पहनेंगे, लाल टोपी पहनता वो सफेद भी पहनता, दिखाऊं अभी दिखा देता हूँ, बोलो तो मुलायम तो सफेद पहनता है, कौन बोला ये बोला है, कौन बोला है? मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, पहनता है तुझे क्या घंटा पता है? पहनने वाला नीतीश कुमार है बस। समाजवादी पार्टी का जो मुखिया है वो हिंदू नहीं है, वो कहीं और से आया है। अरे इनको ऐतराज है उनसे टोपी ओढ़ने में भी, बताओ। अरे वो सब धर्मों को मानने वाला है यार। अगर तुम किसी रिलीजन में जाओगे, अगर आपको सम्मान के साथ बुलाता है कोई, तो उसमें जाना चाहिए, सबको शरीक होता है उसके। अब तुम कहीं जाओगे, सर पे रुमाल बांध के जाते हैं ना, दरगाह में जाते हैं ना, रुमाल बांधना पड़ता है ना, तो उसको नियम को तो फॉलो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव सर्व धर्मों को मानते, टोपी लगाते हैं तो क्या गलत मानने में क्या बुराई है? नहीं बिल्कुल, वो तो उसके पिताजी कहते थे कि मुझे मुलायम सिंह यादव मत बोलो, मुझे मुल्ला मुलायम बोलो। वो तो खुद कहते थे अखिलेश यादव के पिता, कार से वो पे गोली किसने चलवाई थी? अरे ये तो हमेशा ही हिंदुओं पे अत्याचार करते आए हैं, हमेशा से। आज ये रामनवमी पे पथराव देखते हैं या कहीं पे भी पथराव करते हैं, सब जगह इन लोग पथराव करते हैं, चाहे आप कोई भी पंडाल में, यहीं पे देख लिया, तीस हजारी में हुआ, शास्त्री नगर में हुआ, अम्बे माँ का मूर्ति खंडन कर दिया गया। तो भाई यही सब तो है इस देश में इन लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहराइच वाले घटना पे विपक्ष कहता है कि यूपी सरकार विफल है, कानून व्यवस्था जो है योगी सरकार के हाथ से निकल चुका है। ये कौन बोल रहा है भैया? अखिलेश यादव, पूरा विपक्ष है ना। ये दल्ला अभी थोड़ी देर पहले भी, मतलब थोड़ी देर पहले क्या, एक और टिप्पणी देके गया था। टिप्पणी इस दल्ले का ये था कि जहाँ पे इनकी संख्या ज्यादा हो जाए वहाँ पे क्यों जाना, वहाँ से रैली क्यों निकालना, वहाँ से जुलूस क्यों निकालना, वहाँ से शोभा यात्रा क्यों निकालना। तो ऐसे दल्ले लोग कहना क्या चाहते हैं कि जहाँ पे इन लोगों की संख्या ज्यादा हो जाए वहाँ पे चलना बंद कर दें, वहाँ पे रहना बंद कर दें, यही कहना चाहते हैं ना। इनकी मानसिकता तो वैसी ही है। तो दंगा कराने का अगर श्रेय किसी को दिया जाएगा तो अखिलेश यादव जैसे लोगों को दिया जाएगा, जो हिंदू तो है लेकिन हिंदू वाली खून नहीं है, हिंदू वाली बात नहीं है उनके अंदर। विपक्ष में है तो सवाल उठाएंगे, जब आप सरकार में हो आपको पता है कि यह रास्ता जो है इसमें जो है प्रॉब्लम हो सकता है, तो नहीं नहीं सरकार में आप हैं तो काहे नहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है मजबूत करते हैं, व्यवस्था क्यों नहीं? अच्छा एक बात है, ये जो अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, इनके पार्टी के नेता झंडा उखाड़ने का वीडियो वायरल कर रहे थे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, झंडा उखाड़ने का वीडियो वायरल कर दो, लेकिन लड़के के साथ जो उसकी नाखून जो उसका उखाड़ा गया, जो 32 गोलियां मारी गई, जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, उसको वायरल क्यों नहीं कर दिए? उसको वायरल कर देते तब इनका दरिंदगी पता लगता कि कितने दरिंदे हैं ये लोग, ठीक है। और बात करते कानून व्यवस्था की, यही लोग ना संविधान और कानून की बात कर रहे थे, तो संविधान जब कानून की बात कर रहे थे तो अगर रामगोपाल मिश्रा ने गलत किया, झंडा हटाया, तो इनको पुलिस के पास FIR करवाने जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग अपने हाथ कानून ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हिंदू ये कार्य किए होते हैं तो ये जितने विपक्ष वाले हैं सारे बैठ के यहाँ पे रोना धोना किया करते थे। रोना नहीं होता, कह रहे हैं लोग जो है उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और चुनाव को ध्यान में रखकर जो है सरकार ऐसा करा रही है, उनका बहुत बढ़िया बात, इसी पे बोल रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो आप हिंदुओं से मैं एक बार गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग इस बात को सोच लीजिए कि अगर सोच समझ के अगर पार्टी को नहीं चुनते हैं, सोच समझ के हिंदुत्व की सरकार को नहीं चुनते हैं, तो ऐसा दंगा बार बार देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। आप देख लो ना, एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुत्व के लिए कहा जाता है कि हिंदुत्व के लिए कार्य करती है, उसके रहते ये दंगाई ये जिहादी ऐसा कार्य कर देते हैं, तो आप सोच लो जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी यूपी में तो हिंदुओं का कैसा गंदा हाल होगा, इस बात को समझना पड़ेगा हिंदुओं को, ठीक है। और उसके बाद से बोलते हैं, ये जो बोलते हैं ना अभी कुछ दिन पहले बहुत कि पता नहीं किसको मारोगे कितने निकलेंगे, मैं बोलता हूं कि तुम जितने रामगोपाल मिश्रा मारो उतने राम गोपाल मिश्रा पैदा होंगे, और जब जब पैदा होंगे ना इनकी पेंड गिली हो जाएगी, इस बात को याद रखा जाएगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, राम गोपाल मिश्रा की शरीर मृत हुई है, राम गोपाल मिश्रा का बहादुरी और उनका सोच अभी भी जीवित है, और हम युवा उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे जब भी हमारे सनातन धर्म पे बात आएगी तो। लेकिन चलिए ठीक है, क्या जरूरत थी जो है जाकर छत पे चढ़ के झंडा क्या जरूरत थी? पत्थर चलाने की क्या जरूरत थी? पंडाल पे पत्थर फेंकने की क्या जरूरत थी? रैली में पत्थर फेंकने की क्या जरूरत थी? जुलूस में पत्थर फेंकने की क्या जरूरत थी? मूर्ति को खंडित करने की क्या जरूरत थी? ये भी पूछ लीजिए क्या जरूरत थी इनको। अगर कोई एक्शन आगे लिया जाएगा तो रिएक्शन यहाँ से दिया जाएगा, और वही रामगोपाल मिश्रा ने किया, जो एक्शन वहाँ से मुसलमानों ने लिया इसका रिएक्शन हम लोगों ने जाके दिया। और रामगोपाल मिश्रा को एक बात बता देते हैं, जैसे प्रशासन की तो वहाँ पे कमी है, प्रशासन की कमी है,
जिस समय रामगोपाल मिश्रा को छत पर से खींच के घर में ले जाया जा रहा था, उस समय प्रशासन बाहर जो खड़ी भीड़ थी, हिंदुओं की जो भीड़ थी, उन्हें रोक रही थी। अगर उनको अंदर जाने देती तो रामगोपाल मिश्रा नहीं मरता, इस बात को मैं मानता हूँ। यहाँ पे प्रशासन गलत थी तो गलत है, ठीक है। और बाकी जो राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, मैं उनसे बोलता हूँ कि ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है। आप जो एक टिप्पणी दे के चले जाते हो कि मतलब जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए वहाँ से जुलूस क्यों निकालना, वहाँ से शोभा यात्रा क्यों निकालना, ये कैसी टिप्पणी है, तो घटिया टिप्पणी है ना। अगर इसका मतलब है कि दरियागंज में मुसलमान ज़्यादा है तो हम चांदनी चौकाना बंद कर दें, कहने का तो मतलब यही है कि दरियागंज में ज़्यादा मुसलमान है तो हम चांदनी चौकाना बंद कर दें। किसी के बाप का थोड़े ना है भारत भूमि, ये भारत भूमि श्री रामचंद्र का है, हमारे वंशजों का है, तो हम यहीं पर रहेंगे, इनका रोकने से रुकेंगे क्या? ये अपना धर्म परिवर्तन करवा ले, इनके लिए ज़रूरी है, इनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम सोच रहे हैं ना, कभी कभी सोच रहे थे कि छोड़ना भाई हिंदू ही है साथ देगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अखिलेश यादव जैसे लोग अगर धर्म परिवर्तन करा के अपना भी नाम अगर अमान खान रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका नाम अमान खान हो जाना चाहिए। क्योंकि इनका जो समर्थन है ना मुसलमानों के लिए जाता है, हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, तो ऐसे लोगों की बात ही नहीं करते हैं, दल्ले होते हैं ऐसे लोग जी। अरे शांति व्यवस्था भंग कराने में एक साजिशन तौर पर सरकार के समर्थन के लोग होते हैं जो इस तरह के माहौल खराब करते हैं, माहौल जो है बिगाड़ के रख देते हैं, हिंदू मुसलमान करा। अच्छा अच्छा, हिंदू मुसलमान जातीय जनगणना की बात करके हिंदू मुसलमान की बात ये कर देते हैं, MOI समीकरण दिखा के जातीय हिंदू मुसलमान की बात ये कर देते हैं और बात बतियाते हैं ऐसे, क्या बताऊँ। अगर अखिलेश यादव अगर श्रेय, मैं बोल रहा हूँ ना कि फिर से बोल रहा हूँ वही बात, अगर इस दंगा के पीछे किसी को श्रेय दिया जाएगा तो वो श्रेय दिया जाएगा अखिलेश यादव को, ठीक है। और वो श्रेय दिया जाएगा वैसे कट्टरपंथियों को जो बार बार हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलने का कार्य करते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से ऐसा कार्य होता है। और ऐसे लोगों पर अगर बुलडोजर बाबा बुलडोजर चाप के चढ़ा देंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मियाँ लोड साहब हैं यहाँ पे देश में, मियाँ लोड साहब, ठीक है, वो माई लोड नहीं होगा, मियाँ लोड हो गए हैं, वो बोलते हैं कि भैया बुलडोजर का जो कार्य है ना ये गलत हो रहा है, एक अपराधी के पूरे परिवार को सजा क्यों देना। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय अपराधी पैसे अर्जित कर रहा था अपराध से, उस समय उस पैसे से राज कौन कर रहा था? परिवार वाले कर रहे थे, ठीक है, तो उस कुकर्म में साथ किसने दिया? परिवार वालों ने साथ दिया। तो बुलडोजर चलना किस पे चाहिए? पूरे परिवार पे चलना चाहिए। तो ये कहीं भी गलत नहीं है, चाहे वो हिंदू के लिए हो चाहे वो मुसलमान के लिए हो, जो गलत है उसके ऊपर चढ़ेगा। और बुलडोजर चढ़ने के बाद से जो अगली सात पीढ़ी आएगी ना, तो पीछे से दादी मम्मी चाची जो होंगी बोलेंगी बेटा अपराधी मत बनना, बाबा का बुलडोजर तैयार है, इस बात को समझना पड़ेगा जी।